वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के फेल होने के पीछे, उसे असफल होने के पीछे क्या क्या रीजन थे और 1857 जैसी क्रांति दोबारा भारत में ना हो इसके लिए ब्रिटिश ने क्या क्या कदम उठाए। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि 1857 की शुरुआत किस तरह से होती है, 1857 की रिवॉल्ट किस तरह से होती है, तो हमने देखा कि चर्बी लगे कारतूस तो सिर्फ एक छोटा सा मोहरा था, इससे बड़े बड़े रीजन तो हमारे बैकग्राउंड में थे, जैसे कि पॉलिटिकल रीजन थे, इकोनॉमिक्स रीजन एंड सोशल रीजन। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करें और आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें, तब आप पार्ट टू देखें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो क्या क्या रीजन थे जिससे 1857 जैसे रिवॉल्ट वापस से दबा दिए गए और इन्हें सफलता नहीं मिल पाई। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि 1857 के फेल हो जाने के पीछे इसके क्या क्या रीजन थे, रीजन ऑफ फेलियर। तो फर्स्ट रीजन आता है साउथ इंडिया रिमेंस क्वाइट। ये 1857 जैसे रिवॉल्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एरिया में सीमित रह गए थे। क्या ये पूरे इंडिया में लड़ा नहीं गया था? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि 1857 रिवॉल्ट मेरठ के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए ये ज्यादातर हमारे नॉर्थ इंडिया में ही हमें देखने को मिलते हैं, ना कि साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया के बहुत से भाग ऐसे थे जहां पे 1857 रिवॉल्ट से कुछ लेना ही देना नहीं था। तो इसे हम एक नेशनल मूवमेंट का दर्जा देते हुए ये सोचते हैं कि क्या सच में इसमें नेशनल का भाग या सहभाग था? तो हमें आंसर मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एरिया में, कुछ ही लिमिट दायरे में रहेगा। तो सबसे बड़ा रीजन हमें ये देखने को मिलता है। सेकेंड रीजन, नो प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं किया गया था कि हमें 1857 रिवॉल्ट को जीतने के बाद इंडिया में किस तरह का कानून लाना है, किस तरह का लॉ लाना है। बस हमको उनको यही पता था कि 1857 के रिवॉल्ट को हमें कैसे भी करके आगे बढ़ाना है और हमें ब्रिटिश को यहां से भगाना है। आगे का कोई भी प्रोग्राम हमारे भारतीयों को पता नहीं था, ना ही हमने कभी उसको किया था कि किस तरह से हमें 1857 के रिवॉल्ट को जीत जाने के बाद हमें क्या करना है, इसके बारे में भी हमें कुछ भी पता नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। हमारे यहाँ के जो भी जमींदार थे, जो भी राजा थे, वो बहुत ही अधिक मात्रा में ब्रिटिश का साथ देते थे, ना कि इंडियन सेपॉय का, ना कि इंडियन पीजेंट का। किसी भी तरीके से वो इंडियन की मदद नहीं करना चाहते थे, उनका मेन मकसद ब्रिटिश की मदद करना होता था। तो कहीं ना कहीं हमारे जो राजा थे, जैसे कि द सिसोदिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, द निजाम ऑफ हैदराबाद, द राजा ऑफ जोधपुर एंड अदर राजपूत, तो इस तरह से बहुत से राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया, ना कि हमारे भारतीयों का। तो इस तरह से एक हमारे एकता पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एकता अगर होती तो शायद हम इस रिवॉल्ट को जीता जा सकता था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हमारे भारतीयों के बीच में ये भी देखा गया कि किसी भी तरीके का, किसी भी व्यक्ति का किसी से कोई संबंध नहीं होता था। कहने का अर्थ यह है कि बिहार में किस तरह का आंदोलन चल रहा है, बिहार में किस तरह का मूवमेंट चल रहा है, ये ना यूपी वालों को पता होता था, ना राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी देखा जाता है इस फेलियर के पीछे। कैप्चर दिल्ली ऑन 20 सितंबर 1857। दिल्ली को बहुत ही जल्दी कैप्चर कर लिया गया। जो हमारे मुगल बादशाह थे उनको बहुत ही जल्दी अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा लीडर होने का परिचय नहीं दिया और उन्हें बहुत ही जल्दी दबा दिया गया और दिल्ली पे कैप्चर कर लिया गया। और जब दिल्ली को ही कैप्चर कर लिया गया तो उसके बेस पे लड़े जाने वाले जो भी हमारे सिपाही पीजेंट जमींदार थे उनका मनोबल गिर गया। और फिर होना क्या था, ब्रिटिश ने एक एक करके ऐसे झांसी की रानी को और फिर होलकर को, ऐसे बहुत से राजाओं को इसी तरह से हरा दिया और वापस से अपने एरिया को कैप्चर कर लिया।
तो आइए दोस्तों अब हम नजर डालते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या ब्रिटिश में किसी भी तरीके का चेंजेस आता है, क्या ब्रिटिश अपने लॉ में किसी भी तरह का चेंजेस लाती है, क्या उसी तरीके से इंडिया को वापस से कंटिन्यू किया जाता है, उसी तरह से इन पे अत्याचार किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों नहीं, क्योंकि अब ब्रिटिश बहुत ही अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर इंडिया को वापस से इसी तरह से ट्रीट किया जाए, वापस से इसी तरह से इन पे अत्याचार किया जाए, तो आगे चल के हमें इसका बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ सकता है। क्योंकि 1857 जैसे रिवॉल्ट को अगर थोड़ी सी और यूनिटी दी जाए या थोड़ा सा और कोऑर्डिनेशन बन जाए तो 1857 रिवॉल्ट ही कुछ ऐसा हमें आजादी दिलाने का प्रयत्न करने वाली एक क्रांति बन सकती थी। तो आइए दोस्तों हम उनके चेंजेस के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से और क्या क्या चेंजेस लाए गए ब्रिटिश लॉ के द्वारा, ब्रिटिश कानून के द्वारा। तो द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे चेंजेस लाए जाते हैं। तो ब्रिटिश की क्वीन जो कि ब्रिटिश की रानी थी, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ऐसे पद को इंडिया में लागू कर दिया। पहले हमारे इंडिया में गवर्नर्स होते थे, उनसे बड़े जनरल गवर्नर्स होते थे, अब इनके बाद एक आएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि इंडिया में होने वाले हलचल, इंडिया में होने वाले मूवमेंट को हमारे क्वीन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारे इंडिया में जो गवर्नर्स और जनरल गवर्नर्स थे उनके पदों को हटा के वॉइसराय बना दिया गया। तो वॉइसराय की पद जो रहती थी वो पूरे इंडिया पे होने वाले अलग अलग फील्ड पे नजर रखती थी और वो सारी बातें वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोलते थे और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जाके ब्रिटिश में इंडिया की एक टीम डिसाइड हुई थी उसमें जाके वो सारी बातें क्वीन को बोली जाती थी, बताई जाती थी। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में टोटल 50 मेंबर्स होते थे, टोटल 15 मेंबरों की सदस्यता थी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जब इंडिया में लागू किया गया उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पे ये भी कहेगी कि अब इंडिया को पहले के जैसे हमें ट्रीट नहीं करना है। तो उसमें बदलाव सबसे पहले आते हैं कि अब हमें कोई भी एनेक्सेशन नहीं करना है, एनेक्स नहीं करना है किसी भी तरह का, कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट को अब हम एनेक्स नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे। तो ये बात बोली गई हमारे क्वीन के द्वारा और बोला गया कि किसी भी रिलीजियस पे हम अब उतना ध्यान नहीं देंगे जितना हम देते थे, या किसी भी धार्मिक लोगों पे किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया जाएगा। आप लोग जिस तरीके का धर्म चलाना चाहते हैं, आप लोग जिस तरह का धर्म मानते हैं आप लोग कंटिन्यू कीजिए, आप लोग पे ब्रिटिश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो क्या दोस्तों इतनी सारी बातें तो बोली गई, क्या ये सारी बातें इम्प्लीमेंट की गई? जी नहीं दोस्तों, इसमें से बहुत सी कम बातों पे इम्प्लीमेंट किया गया। और ब्रिटिश में एक और चेंजेस हमें देखने मिलते हैं, वो चेंजेस थे सिपाही, सैनिक। हमारी आर्मी में भी बहुत सारे बदलाव लाए गए। आर्मी में अब इंडियंस पीपल्स को कम रखा जाता था, यूरोपियंस पीपल्स को ज्यादा रखा जाता था। अब आर्मी में यूरोपीय लोग ज्यादा होते थे कंपेयर देन इंडियन के, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश ये समझ चुकी थी कि अब अगर हमने ब्रिटिश इंडिया के सिपाही, इंडिया के आर्मी और बढ़ाए तो आगे चल के ये हमारे लिए ही खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने यूरोपीय सेनाओं को भर्ती करना शुरू कर दिया। तो आप सब देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से ब्रिटिश सतर्क होते जा रही है और फूट डाल राज्य करो की नीति की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। अब इंडिया को वो बांट के राज्य करना चाहती थी, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री को एक साथ राज्य करना या एक साथ शासन करना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए अब ब्रिटिश ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद डिवाइड एंड रूल को किस तरह से इंडिया में लागू कर दिया जाता है और इसी डिवाइड एंड रूल के थ्रू इंडिया में बहुत ही अधिक समय तक राज या शासन किया जाता है। और हमारे क्वीन के द्वारा ये भी कहा जाता है कि अब किसी भी तरीके के आर्मी के
ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार या काले और गोरे रंग का भेद नहीं किया जाएगा। हम इंडियन पीपल को उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे ब्रिटिश इंडियंस को, ब्रिटिश आदमी को ट्रीट करते हैं। बट क्या ये हो पाया? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इन सारी बातों में से बहुत ही कम बातों पे ध्यान दिया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये थे दोस्तों बदलाव, ये थे चेंजेस। 1857 रिवॉल्ट जैसे क्रांति, 1857 जैसी क्रांति भारत में दोबारा ना हो, इसकी कोई भी चिंगारी भारत में दोबारा ना उठे, इसके लिए ब्रिटिश ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डीप तरीके से तैयारी करके रख ली थी। 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो, इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुके थे और इसे रोकने के लिए भी ये बहुत ही अधिक समय तक बढ़ चुके थे, अधिक दूर तक जा चुके थे। तो आपने इस सबने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से 1857 के फेल होने के रीजंस क्या क्या थे और 1857 के बाद उस हमारे ब्रिटिश ने किस तरह से कानून में चेंजेस लाया, किस तरह से लॉ में चेंजेस लाया कि 1857 जैसी क्रांति भारत में दोबारा देखने को ना मिले। इसलिए ब्रिटिश ने बहुत ही अधिक तरीके से और बहुत ही माइंडेड तरीके से लॉ में चेंजेस लाए ताकि हमारे लोगों को भनक भी ना हो और उनपे राज भी किया जा सके, इसीलिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेके, नेशनलिज्म कि भारत, हमारे भारतीय लोगों में किस तरह से नेशनलिज्म की भावना दौड़ती है, किस तरह से भारतीयों में नेशनलिज्म आता है, किस तरह से नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया जाता है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखते रहिए दोस्तों डैन एवरीथिंग इस चैनल को। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना।